असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू द न्यू चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये आपके चैप्टर नंबर फाइव है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर ठीक है और इस चैप्टर के पढ़ने का क्या इम्पॉटेंस क्यों मतलब पढ़ना क्यों ज़रूरी है इसके क्या इम्पॉर्टेंस है ठीक है तो आपका चैप्टर का जो नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ठीक है तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है वाइल्ड लाइफ क्या है ठीक है और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हम क्यों पढ़ रहे हैं ठीक है थेके? अब हम इसको पढ़ते हैं और इसके हम लोग कंजर्वेशन क्यों करते हैं मतलब इसके क्या रोल रहते हैं इन जो इन्वामेंट है या हमारे लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ठीक है और उसके साथ साथ इस चैप्टर का कुछ जो है इसमें जो फैक्टर्स है ठीक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ठीक तो सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि हमारा जो कंट्री है ठीक है इंडिया इस वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ में आते हैं बच्चे इसमें इस तरह से जैसे आपके बुक में दिया है ठीक है तो आ, क्या है ठीक है वो तो वन ऑफ दी मेगा बायोडाइवर्सिटीज में आते हैं हमारे इंडिया तो मेगा डाइवर्सिटी हम किसको कहेंगे मेगा मीन्स बड़ा ठीक है यानी बिग ठीक है तो हमारे कंट्री में यानी जैसे जो बायोडाइवर्सिटी बायो बायो है बायो मीन्स लाइफ डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस यानी बायो मीन्स लाइफ में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आते हैं ठीक है तो हमारे कंट्री जो है ट्वेल्व मेगा बायोडाइवर्सिटी में से आते हैं जैसे कि पूरे वर्ल्ड में अ, ट्वेल्व कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट तरह के बायोडाइवर्सिटीज़ है ठीक है तो उस ट्वेल्व में से हमारे कंट्री भी वन ऑफ़ दी ट्वेल्व वन ऑफ़ दी मेगा बायोडाइवर्सिटी है और इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हमारे कंट्री में यानी ये एक ट्वेल्व मेगा बायो में क्यों आते हैं चंग आते हैं टवेल्व मेगा बायोडाइवर्सिटी जरिए इंडिया में बहुत सारे बायो चिकन ये सारी चीज़ें आपको बता दूँ कि इसमें क्या है बच्चे आपको पता है कि हमारे कंट्री में फोर्टी सेवन थाउजेंड जो है क्या है फोर्टी सेवन थाउजेंड प्लांट स्पीशीज है इंडिया ऑक्योपाइज टेंथ प्लेस इन द वर्ल्ड एंड फोर्थ इंडिया इन द एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी ठीक है वो तो जैसे अगर आप देखते हैं कि इंडिया में फोर्टी सेवन थाउजेंड ठीक है फोर्टी सेवन थाउजेंड स्पीशीज़ जो है प्लांट का है सिर्फ प्लांट का ठीक है प्लान्ट फोर्टी सेवन थाउजेंड स्पीशीज़ है फोर्टी सेवन थाउजेंड से बन इसमें एक ही तरह के नई वाइटिस ऑफ प्लांट्स है इंडिया में ठीक है और इसमें हमारी जो एशिया में जो है फोर्थ पोजीशन पे आते हैं या जैसे कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा जो है यानि गतिजिंद फोर्थ जबाना एशिया में जितनी भी जो कंट्रीज़ है जिसमें प्लांट्स न वाइटिस ऑफ प्लांट्स है उसमें से, से, उस से फोर्थ पोजीशन पे इंडिया आते हैं यानी इंडिया में फोर्टी सेवन थाउजेंड प्लान्टीशीज़ है वाइटिस ऑफ प्लांट्स ठीक है वो सेम इसी तरह से देर अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड अब चुरा उसमें से जो है अगर देखें तो फिफ्टीन थाउजेंड जो है यहाँ पे क्या है फ्लारिंग प्लांट्स ठीक है फ्लारिंग प्लांट्स भी है इंडिया में यानी फ्लारिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो क्या देते हैं फ्लास ठीक है तो अब इसके साथ साथ इस विच अकाउंट्स फॉर सिक्स पर्सन इन दर्ल्ड टोटल ठीक है पूरे वर्ल्ड में जो टोटल फ्लारिंग है उसमें से फिफ्टीन पर जो है हमारे कंट्री फिफ्टीन थाउजेंड यानी सिक्स परसेंट जो है फ्लारिंग प्लांट्स हमारे कंट्री में ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कंट्री में सिक्स परसेंट है, है ठीक है पूरे वर्ल्ड में सिक्स परसेंट पर तो द कंट्री हैज़ मेनी नॉन फ्लारिंग भी है फोना है अलगी एंड फंगा ठीक है तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हमारे कंट्री में पाए जाते हैं और ये जो फोटी सेवन थाउजेंड मत कोई मामूली बात नहीं है फोर्टी सेवन थाउजेंड में वाइटीज़ ऑफ प्लांट्स होती है ठीक है तो इसी तरह से आप अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है नाइन्टी थाउजेंड जो है ठीक है अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी थाउजेंड क्या है प्लांट स्पीश सॉरी एनिमल स्पीशीज़ है ठीक है नाइन्टी थाउजेंड से बना नब्बे हज़ार जो प्ला सिर्फ एनिमल स्पीशीज़ सब ठीक है एनिमल स्पीशीज़ में जैसे आप लोग कहेंगे एनिमल स्पीशीज स्पीशिस वाइटिस ऑफ उसके साथ साथ मतलब रिच वराइटीज़ ऑफ ठीक है नाइन्टी थाउजेंड जो एनिमल स्पीशीज़ है उसमें रिच वराइटीज़ ऑफ फ़िश ठीक है जो फिश है अलग अलग तरह के फ्रेश वाटर आ, मेरीन वाटर ठीक है अलग अलग तरह के जो फिशेस हैं हमारे कंट्री में वैराइटीज ऑफ फिशेस भी पाए जाते हैं फ़िश या मातीस एनिमल है एनिमल्स है ठीक है तो इस तरह से अगर हम इस तरह ही का थोड़ा इन जैसे ये जो नंबर आपको बताया जैसे फोर्टी सेवन थाउजेंड प्लान्स स्पीशीज़ नाइन्टी थाउजेंड एनिमल स्पीशीज़ फिफ्टीन थाउजेंड जैसे ना उसमें फ्लॉरिंग प्लांट्स भी बताया आपको तो इतने वाइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है इंडिया में इसलिए मातज़ इंडिया चीज़े ट्वेल्व मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ में आते हैं ठीक तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नतीस सच्चा इंडिया ट्वेल्व मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ में गिनते हैं क्योंकि इसमें वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं ठीक है तो इसके बाद है नेक्स्ट आपका जो ये ने नेचुरल वेजिटेशन गतिस खुराची एजेस्टिन ठीक है नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या है सबसे पहले हम लोग इसमें यह वाला पोर्शन देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन खुरा ठीक है या दुआ मिथ खमेट नेचुरल वेजिटेशन ठीक है तो नेचुरल वेजिटेशन एक्चुअली क्या होते हैं रिफर्स टू दी प्लांट कम्युनिटी ठीक है नेचुरल वेजिटेशन जब ना वेजिटेशन यानी प्लांट्स ठीक है तो प्लांट का जो कम्युनिटी नेचुरल का जो प्लांट कम्युनिटी है इसको हम क्या कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन विच हैज ग्रोन लेकिन ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नेचुरली ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस ठीक है यानी जिसको ह्यूमन ने अभी तक मतलब टच भी नहीं किया हो या ये खुद ब खुद मतलब कई सालों से लंबे समय से ये खुद ब खुद ग्रो होते जा रहे होते हैं होते आ रहे हैं तो उदूस है, वेजिटेशन उलांगस्ट नेचुरल वेजिटेशन एस्टिन जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होते हैं ठीक है इसलिए गतिस्ट डोलाय चीज एस्टिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्जिन वेजिटेशन ठीक है वी आई आर जी आई एन वर्जिन ठीक है वेजिटेशन ठीक तो वर्जन वेजिटेशन हम क्यों कहेंगे क्योंकि वर्जन मतलब अनटच ठीक है जिसको अभी तक छुआ नहीं होगा चीशी का मिसाल जहाँ पे इंसान के कदम नहीं पहुँचे हो या इंसान के हाथ नहीं पहुँचे हो वो एक चीज़ को लंगाते हैं जशिन वर्जन यानी अनटच चीज़ है ठीक है तो वर्जन वेजिटेशन हम इसलिए कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन आ जशन जो नेचुरली ख़ुद ब खुद ग्रो हुआ विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस और लंबे समय से ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस वहाँ पर नहीं है तो इस वजह से हम इसको वर्जन वेजिटेशन भी कहते हैं Vegetation is also known as with natural vegetation. Take तो लेकिन अब यहाँ पे जो नहीं वेजिटेशन में आप बहुत सारी चीज़ें होते हैं जैसे आप लोग अपने फार्म्स में जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं ठीक है हम लोग जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं और कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन करते हैं लगाते ना चीज़ें जस्चिन्नी ठीक है तो ये आपके नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएंगे बच्चे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एंतखामा जैसे आप लोग अपने खेतों में व्हीट्स वगैरह ग्रो करते हैं तो वो जो है क्या है नेचुरल वेजिटेशन नहीं है ना वेजिटेशन जस्चिन लेकिन इसको हम नेचुर नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहेंगे क्योंकि एक क्रॉप को ग्रो करने में आपका जैसे हैं पता के पूरा मतलब ये इंटरफेरेंस देख दे। आपने क्रॉप को ग्रो सीड लगाया फिर वाटर लगाए फिर इसके बाद हार्वेस्ट किया तो पूरा सब कुछ जो है मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस से ही ग्रो हो रहा है ना उधर तो उधर तो वेजिटेशन लगाते है नेचुरल वेजिटेशन जैसा ठीक है तो वेजिटेशन में सब कुछ जैसे आप लोग अपने घरों में क्रॉप्स ग्रो करते हैं या जैसे फ्रूट्स जैसे ऑर्चिड्स वगैरह लगाते हैं ठीक है तो उधर लगाते वेजिटेशन ठीक है ये सारे जो है पार्ट है यानी वेजिटेशन है लेकिन इसको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहेंगे क्योंकि वर्जन वेजिटेशन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया नेचुरल वेजिटेशन गजिटेशन जो खुद ब खुद ग्रो हुआ हो या नेचुरली ग्रो सोश विदाउटन इंटरफेरेंसोक्शन या वर्जन वेजिटेशन बाकी आप लोग गर्व में जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं फ्रूट्स ग्रो करते हैं लगाते हैं, आते हैं, दिश्चेन, 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 में आते हैं लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहेंगे ठीक है इसी तरह से जो है जुट आपने सुना भी होगा जैसे फ्लोरा एंड ठीक है ये आपके इसमें है ठीक है फ्लोरा जैसे यहाँ पे ठीक है तो फ्लोरा

टर्म फोना इज डिनोटेड एनिमल्स ठीक है रिफर्स टू दी एनिमल्स ठीक है तो इस तरह से जो है ये आपका हो गया फ्लोराइन फोना के बारे में और यहाँ पे और एक चीज़ आपको बता दूँ जैसे यहाँ पे है डू यू नो में यहाँ पे आपके बुक में ठीक है इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो स्पीशीज़ हमारे विद इंडिया में ही ग्रो होते हैं ठीक है ठेके? इंडिया में नेचुरली ग्रो छ स्पीशीज सुन लाऊंगा तस् चीज जैसे एंडेमिक स्पीशीज ठीक है वो जो प्योरली इंडियन हो ठीक है जो इंडिया में ही ग्रो चीज़ एंडेमिक स्पीशीज एंडेमिक स्पीशीज ठीक है एंडेमिक स्पीशीज गतिश्रीन जो नेचुरली या प्योरली ठीक है प्योरली इंडियन हो यानी जो प्योरली इंडिया में ही ग्रो हुआ हो खुद इंडिया में ग्रो होते हैं या कहीं बाहर से नहीं आते हैं इंडिया खुलिया अनु ग्रो छकनी इंडिया खुलिया अनु खुद ब खुद नेचुरली या ग्रो छकनी चीज़ गतिशिन एंडेमिक स्पीशीज़ लेकिन जो स्पीशीज़ बाहर से आते आके इंडिया में ग्रो होती है उदुल्लाजिन ई एक्स ओ ठीक है एक्सोटिक एक्जॉटिक्जॉटिक्पीशीज़ तो नजस्ची जो किसी दूसरे कंट्री से आके इंडियानक फैलाई सौ सोते स्पीशीज़ सुन जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल नहीं स्पीशीज कैसे आते हैं गसला इंडिया में ग्रोशा चिंजर ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्रेडर्स होते हैं बर्ड्स वगैरह जो माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में तो बर्ड्स अगर माइग्रेट बनना बर्ड्स के पंख में अगर कोई सीट लगा हो तो वह आके इंडिया में गिरते हैं इंडिया में इंडिया की किसी जगह पर गिरते हैं फिर वो सीट वहाँ पर फैल के एक वेजिटेशन ग्रो होती है तो दुलते इन एक्जॉटिक जो बाहर से आए हैं ठीक है ठीके? जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर्स के साथ आते हैं ठीक है तो आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं या कोई बाहर से हमारे कंट्री में अपना एक प्लांट अपना एक पौधा लेके आते हैं तो यहाँ पर वो उस पौधे को छोड़ के जाते हैं तो उसका सीड भी अगर कहीं लग गया या कहीं ग्रो होते हैं तो दुल्स इन स्पीशीज ठीक है तो इंडिया में ही विद इन इंडिया में यानी इंडिया खुद ही लोग प्योरली नेचुरली ग्रो शन स्पीश में स्पीशीज़ इंटरेस्टिंग एक्जॉटिक स्पीशीज़ यानी जो बाहर से आके इंडिया में फैल गए इंडिया में ग्रो हो गए उस स्पीशीज को तो लजस्टिन कहते हैं एक्जॉटिक स्पीशीज़ होप यहाँ तक आपको सब अब सब वो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये चैप्टर का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन थे यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट थे जिसमें मैंने आपको कि इंडिया जो है वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा बायोडावर्सिटीज़ में आते हैं ये सारी चीज़ें आपको बताया इंशाल्लाह आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपका वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैंने मैं आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताऊँगी फैक्टर्स इफैक्टिंग दी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पे जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उस चीज़ को हम लोग आपको जैसे कि किस दे डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है तो लेकिन उसके मतलब ये कुछ फैक्टर्स की वजह से ही सोचेंदे ठीक है तो दे फैक्टर उन चीजें वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस uh, करेंगे टिल खुदा खुदाफि